Hi guys, a very good evening to you all. My name is Utkarsh, and in this session, we are going to discuss about very general topic that is law as a career. ठीक है, तो law as a career में क्या-क्या prospects हैं? तो इस session का agenda क्या होने वाला है? सबसे पहले इस पर discuss करते हैं, ठीक है? सबसे पहले इसका background क्या रहा है? मतलब अभी तक कैसा रहा है? And क्या-क्या developments हुए हैं? उस पर एक डिस्कशन होगा। देन क्या कौन से प्रोमिनेंट एग्जामिनेशंस हैं? तो अगर लेट्स से मुझे ग्रेजुएट होना है, लॉ ग्रेजुएट बनना है, तो उसके लिए कौन से एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कौन से हैं, उस पर एक डिस्कशन करेंगे। देन एग्जाम क्लियर कर लिया, कोई कॉलेज पहुंच गए, तो लाइफ इन अ लॉ स्कूल क्या होगी, तो उस पर समझेंगे कि अकेडमिक्स वाइज, नॉन अकेडमिक्स वाइज या नॉन करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो कौन सी हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। देन अगेन लाइफ इन अ लॉ स्कूल हो गई, अब करियर ऑप्शंस क्या है, ठीक है? सो वंस आई ग्रेजुएट फ्रॉम अ लॉ स्कूल, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिसपे ज्यादातर लोग फोकस करते हैं, और कौन कौन से वो एरियाज हैं जो हो सकता है कि हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हो, उस पर डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मस्ट हैव स्किल्स, जो अगर आप में आपके पास है, तो यू कैन बी अ गुड लॉ एस्पिरेंट, अ गुड लॉ स्टूडेंट, उस पे भी डिस्कशन करेंगे, राइट? सो दिस सेशन वुड बी समवेयर अराउंड 30-35 मिनट्स। पूरा देखना, एंड तक देखना, ट्रस्ट मी इट विल बी सुपर डुपर यूजफुल। इफ यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स लॉ, तुम लॉ करना चाहते हो, या बेसिकली अभी मन में एक क्वेश्चन है, करूं नहीं करूं, क्या क्या चीजें हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब भी हम कोई करियर ऑप्शन चूज करते हैं, वो हमारे पेरेंट्स हो या हम हो, हम वहां पे बहुत थरोली एग्जामिन करना चाहेंगे कि अगर हमने ये किया तो इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, राइट? और वो जैसे होता है ना स्वॉट एनालिसिस, वो करना जरूरी है कि लेट से जो मुझे अच्छे लगते हैं सब्जेक्ट्स, उसमें क्या क्या मैं कर सकता हूँ, एंड कितना अचीवेबल है, प्लस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, मतलब मेरा फ्यूचर कैसा होगा, करियर वाइज मैं कितना ग्रो कर पाऊंगा, राइट? एंड दैट कुड इवन बी इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल, तो जो कि एक हमेशा हमेशा एक कंसर्न होता है, हमेशा एक इशू होता है, राइट? कि लेट से अगर मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ किसी IIT से या IIM से, या आई मीन दिस, वो तो बाद में हो गया, नीट वगैरह मैंने किया है किसी मेडिकल कॉलेज से, तो वैसे ही लॉ स्कूल में जब मैं ग्रेजुएट करूंगा तो कितना पैकेज हो सकता है, राइट? क्या प्रोस्पेक्ट्स है, उस पे भी वी विल बी हैविंग अ वेरी शॉर्ट डिस्कशन। तो सबसे पहले मतलब एकदम बेसिक पे जाते हैं, लेट से यू आर अ 10th क्लास स्टूडेंट, अभी क्लास समझते हैं, एंड तुम अभी 10th का तुमने एग्जामिनेशन दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है, इवन ये 12th में भी वो रियलाइज करते हैं, दैट इज क्या अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करूं मैं तो मुझे फायदा होगा क्या, हमेशा क्वेश्चन बहुत जैसे होता है ना फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन है कि क्या कोई स्ट्रीम है जो मैं मुझे चूज करने से फायदा होगा इफ आई वॉन्ट टू गेट इन टू लॉ। अब इसमें सिंपल सा आंसर ये है कि देखो, यू कैन चूज एनी स्ट्रीम, बट अगर आपने ह्यूमैनिटीज, अगर आपने ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स स्ट्रीम चूज की है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि हम यहाँ पे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे। लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन मतलब यू विल बी डिवोटिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट प्रिपरेशन, ठीक है? जो भी एग्जाम तुम देना चाहोगे, जिसके लिए भी तुम प्रिपेयर करोगे, उसको टाइम देना पड़ेगा। अब ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स, नो ऑफेंस, बट थोड़े से इजी होते हैं एज कंपेयर टू PCM अगर आप ले लोगे, या PCB आप ले लोगे, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, इनमें रिलेटिवली कम टाइम लगता है, सो यू विल बी एबल टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। प्लस 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 जैसा क्लैट का पैटर्न है, दिस विल हेल्प यू इमेंसली, बिकॉज यहाँ पर हम रीडिंग ज्यादा कर रहे होंगे, तो आपका जो क्लैट का पैटर्न है उसमें बहुत ज्यादा सॉल्विंग स्किल्स, मैथ्स की स्किल्स, एनालिटिकल रीजनिंग की स्किल्स जरूरी नहीं है, बट रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे स्पेसिफिकली जाना है ना, तो ह्यूमैनिटीज सबसे ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ना है, पढ़ के समझना है, रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग एंड अंडरस्टैंड, मतलब कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है, राइट? तो अगर ये काम कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटीज विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है? बट हाँ, कॉमर्स भी मोटा मोटा, बिकॉज अगेन यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया या बिजनेस स्टडीज हो गया, रीडिंग रहेगी, अकाउंटेंसी इज अ डिफरेंट थिंग, वो डेफिनेटली उतना ज्यादा काम नहीं आएगी। बट अगर इन दोनों में से कोई चूज कर रहे हो, थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा एज कंपेयर टू PCM या PCB। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर सर मैं PCM लूंगा तो मेरे ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएंगे, एब्सोल्युटली खुल जाएंगे, बट अगर मुझे इस बात में क्लैरिटी है कि मुझे लॉ ही करना है, तो आई थिंक चूजिंग दीज टू स्ट्रीम्स या आइदर ऑफ दीज टू स्ट्रीम्स विल बी अ लॉट, विल मेक योर लाइफ अ लॉट मोर इजियर, बिकॉज
क्लैट की प्रिपरेशन में या लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम डिवोट करना पड़ेगा इंटेंसली। ठीक है, तो मे बी यहाँ से 10-15 साल पहले उतना कॉम्पिटिशन नहीं था, उतना कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट नहीं था, बट नाउ इट हैज बिकम लॉट मोर कॉम्पिटिटिव, टाइम ज्यादा देना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर ये दो स्ट्रीम चूज करोगे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि लेट से सर मैंने ऑलरेडी पीसीएम चूज कर लिया है, क्या मुझे क्लैट ड्रॉप कर देना चाहिए? द आंसर इज नो। हाँ, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट जरूरी होगा वहां पर, बट ऐसा नहीं कि अगर पीसीएम ले लिया तो एकदम दुनिया खत्म हो गई, अब क्लैट हो ही नहीं सकता है, लॉ तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर आप 10th में हो या 10th अभी 10th का एग्जामिनेशन दोगे एंड 11th में स्ट्रीम चूज करने वाले हो, तो अगर ये दो चूज करोगे, इन दोनों में से कोई एक चूज करोगे, तो इट विल बिकम लॉट मोर इजियर, और उसमें भी अगर ऑप्शन हो तो ह्यूमैनिटीज चूज करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि अभी से यहां तक लॉ में क्या क्या हुआ है, राइट, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स रहे हैं। तो सबसे पहले प्री 1987, मतलब 1987 के पहले का एरा, तो होता क्या था पहले, यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट, तो आप 3 साल का बीए या बीकॉम या बीबीए कुछ करोगे, उसके बाद आप एलएलबी करते थे, 3 ईयर LLB होता था, राइट, प्रायर टू 1987। तो 3 साल का मैंने बीए किया, फिर 3 साल का मैंने बीबीए सॉरी LLB किया, वैसे ही बीकॉम 3 साल का, फिर LLB किया, मतलब इस टाइप की बीएससी किया फिर LLB किया, ये चलता था, राइट। बट पोस्ट 1987 यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ 5 ईयर LLB कोर्स हुआ, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स है, राइट, 5 ईयर BLLB BBLLB ये सारे कोर्सेज आने लगे। तो इसका फायदा क्या हुआ, पहले जो कोर्स मुझे 6 साल का लगता था, 6 साल लगते थे टू ग्रेजुएट फ्रॉम ग्रेजुएट फॉर बीए एंड देन LLB, अब वो 5 साल का हो गया, प्लस मेरा कॉलेज एक ही रहा, मुझे कॉलेज चेंज नहीं करने पड़े, तो बीए के लिए अलग कॉलेज, LLB के लिए अलग कॉलेज, राइट, ऐसा कुछ नहीं था, एक कॉलेज में जाऊंगा पूरा काम हो जाएगा, इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 साल का है, 1 साल बच रहा है, बेटर ऑप्शन। देन इन द ईयर 2008, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होने लगी थी, धीरे धीरे एनएलयूज या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज डेवलप होने लगे, राइट, आ गए, बट प्रॉब्लम ये क्या थी कि हर एनएलयू के लिए मुझे अलग अलग एग्जाम देना है, फॉर एग्जाम्पल एनएलएस है उसके अलग एग्जाम अलग जगह देने जाना है, फिर एनएलआई है उसके अलग एग्जाम अलग जगह देने आना है, नालसार के लिए अलग, ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, प्लस कॉस्टली भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब 2008 में क्या हुआ, क्लैट करके एक एग्जामिनेशन, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट स्टार्ट हुआ। अब इसमें पहले क्या था कि ईच एनएलयू मतलब ऑन द बेस ऑफ द ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट कराते थे, तो सबसे पहले एनएलएस ने कराया क्योंकि वो सबसे पुराना एनएलयू था, तो उन्होंने स्टार्ट किया। तो फिर 2008 से ये चालू हो गया कि एक एग्जाम है, एक अम्ब्रेला है क्लैट, जिसके अंदर बहुत सारे एनएलयूज है, मुझे एक ही एग्जाम देना है एंड आई कैन गेट इनटू एनी ऑफ द एनएलयूज, अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, कन्वीनियंस थोड़ा हो गया, राइट राइट। देन इन द ईयर 2017, अब हुआ क्या, 2007 से 2017 के बीच में पेपर ऑनलाइन भी हुए, सॉरी पहले तो ऑफलाइन था, फिर इन द ईयर 2015, क्योंकि मैंने वो एग्जाम दिया था इसलिए मुझे थोड़ा सा ध्यान है, ऑनलाइन हो गया अचानक से, 2015 16 17 ऑनलाइन हुआ, फिर ऑफलाइन हुआ, तो बहुत सारी गड़बड़ होने लगी थी ऑनलाइन में, कभी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अब समझो तुमने एक एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, बहुत थरोली प्रिपेयर किया, और जब तुम एग्जाम दे रहे हो तुम्हारा सिस्टम बंद हो गया, अब उसमें 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट हुआ, एकदम मोमेंटम चला जाता है। तो टेक में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होने लगे एंड इट वाज डिसाइडेड कि अब पेपर ऑफलाइन ही होगा, राइट। देन कोविड आया, कोविड का खैर सिनेरियो अलग था, जब ऑनलाइन हो गया था बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन की भी प्रॉब्लम्स होने लगे थे, क्योंकि हर एनएलयू अपने एग्जाम से कर अपने हिसाब से एग्जाम कराता था, वहां पे पंगे होने लगे थे, प्रॉब्लम होने लगी थी, बहुत सारी इरेगुलरिटीज होने लगी, डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज्यादा होने लगी थी, जिसके बाद ये समझ में आया कि अगर एक बॉडी होगी जो कि एग्जाम करा रही है, तो इट विल बिकम लॉट मोर इजियर टू एडमिनिस्ट्रेटिवली या बेसिकली एडमिनिस्टर ऑल दीज थिंग्स, राइट, पूरा एग्जाम ऑर्गेनाइज कराना इजी हो जाएगा। जिसके बाद 2017 में क्लैट कंसोर्शियम बॉडी, जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, वो फॉर्म हुई। देन इन द ईयर 2020 पैटर्न चेंज हुआ, राइट। सो पहले देयर यूज्ड टू बी 2008 में जब आए थे 200 क्वेश्चंस थे, 2020 में प्रायर टू कोविड, कोविड आने के पहले ये डिसाइड हो गया था, 150 क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस रिड्यूस कर दिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया, एंड देन अगेन इन द ईयर 2023 दैट इज लास्ट ईयर इटसेल्फ, फिर से पैटर्न चेंज हुआ, इन द सेंस
कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए, राइट? तो फिर से पैटर्न चेंज हुआ था। तो ये मोटा मोटा अभी तक का बैकग्राउंड रहा है। मूविंग अहेड टू द मोस्ट प्रेस्टिजियस लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो अब इसके बारे में समझेंगे कि क्या सेक्शंस होते हैं, राइट? क्या वेटेज है, कौन कौन से एनएलयूज हैं प्रोमिनेंट जो इसमें आते हैं, उन सारे और इवन दूसरे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ कौन कौन से पैटर्न होते हैं, मतलब क्या पैटर्न होता है, कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, वेटेज क्या है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, 28 से 32 मार्क्स। अब यहां पे ध्यान रखना 120 क्वेश्चंस हो गए। अब 120 मार्क्स के मतलब हर क्वेश्चन एक नंबर। देन देयर इज आल्सो नेगेटिव मार्किंग व्हिच इज 0.25, ठीक है? तो नेगेटिव मार्क्स भी है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ 28 से 32 मार्क्स, मतलब इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो जितने क्वेश्चंस उतने मार्क्स। सिंपल क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 10 टू 14 क्वेश्चंस या 10 टू 14 मार्क्स जैसे बोलना हो। लीगल रीजनिंग 28 से 32, इंग्लिश 22 से 26, एंड सेम गोज फॉर लॉजिकल रीजनिंग एज वेल। तो होता क्या है, लीगल और जीके, मतलब अब थोड़ा इसमें नंबर चेंज हो गया, लीगल को थोड़ा ज्यादा वेटेज देते हैं, बट पहले ऐसा होता था कि 25% जीके, 25% लीगल, इंग्लिश और लॉजिक 20-20% एंड 10% क्यूटी। ये अभी भी वैसे ही है, बस जीके के थोड़े से क्वेश्चंस अब लीगल में आ गए। तो लीगल में इस बार जो था 32 क्वेश्चंस आए थे, राइट? जीके में आई थिंक 28-29 टाइप क्वेश्चंस आए थे, राइट? तो ये मोटा मोटा आपका पैटर्न हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जैसे मैंने बताया ना 2020 में पैटर्न चेंज हुआ था, अब यहाँ पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए। अब जब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं, मेरी इंग्लिश कैसी है, बिकॉज ऑब्वियसली पेपर इज इन इंग्लिश, तो इंग्लिश कैसी है प्लस कितने जल्दी पढ़ के मैं समझ सकता हूं, ये बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश प्लस कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है, कितने जल्दी पढ़ के समझ में आता है बहुत जरूरी है। तो इसकी ही पूरे साल, या बच्चा जितने भी टाइम, स्टूडेंट कोई भी लॉ एस्पिरेंट जितने भी टाइम प्रिपेयर करता है, इसकी आदत डालने की कोशिश करता है, राइट? कि अपन कितने जल्दी पढ़ कर समझ सकते हैं और फिर आंसर करेंगे, राइट? तो ये था आपका क्लैट का पैटर्न। नाउ दूसरे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो क्लैट की तो अपन ने बात कर ली, अब दूसरे प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन कौन से हैं क्लैट के अलावा, एलिट। एलिट जो होता है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये होता है एनएलयू दिल्ली के लिए, ठीक है? तो जनरली सारे एनएलयू जो है वो क्लैट अम्ब्रेला में आ जाते हैं। एनएलयू दिल्ली हमेशा से अपना अलग एग्जाम किया है जिसका नाम है एलिट। देन देर इज क्लैट, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए है, जो कि है सिम्बासिस। इसमें प्रोमिनेंट कैंपसेस कौन कौन से, पुणे, नोएडा, हैदराबाद एंड आई थिंक नागपुर, ठीक है? तो ये चार जगह सबसे प्रोमिनेंट, अगर क्लैट में कोई है तो वो पुणे है, बेस्ट कैंपस, बहुत अच्छा कॉलेज है वहां का, राइट? देन नेक्स्ट इज एलसैट, अगेन ये भी एक अम्ब्रेला एग्जामिनेशन है जिसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आती हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती हैं। सबसे प्रोमिनेंट का नाम लेना हो तो दैट विल बी जेजीएलएस, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, अच्छा कॉलेज है। क्यूली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी करवाता है, इनके भी अगेन बहुत सारे कैंपसेस हैं, राइट? देन एमएचसीटी महाराष्ट्र का एग्जामिनेशन है, बहुत सारे बच्चे, मतलब महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे होते हैं जिनको भी लॉ करना है वो एमएनसीडी डेफिनेटली देते हैं। तो इवन तो लगता है कि बहुत छोटा एग्जामिनेशन और बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के होते हैं, राइट? तो इसमें जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्रोमिनेंट कॉलेज जो है वो जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे, बहुत ही अच्छे। जीएलसी इज द ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज, मतलब बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, राइट? यूएलसेट इट इज फॉर यूपीएस देहरादून, यूपीएस देहरादून आई थिंक क्लैट के बेसिस पर भी स्कोर लेता है। देन दिस वीपी सीटी, दैट इज वीपी पुणे के लिए होता है, भारतीय विद्यापीठ। देन एआईएल एलईटी, दैट इज फॉर आर्मी लॉ इंस्टीट्यूट, राइट? ये कुछ प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन है अपार्ट फ्रॉम क्लैट। तो अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हो तो आप क्लैट तो देते हो, क्लैट तो भाई है ही, उसके अलावा भी वी सजेस्ट कि यार बहुत सारे बच्चे ना दूसरे एग्जामिनेशन भी दे, राइट? बिकॉज जस्ट टारगेटिंग वन एग्जामिनेशन इज नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन, बिकॉज हम सिर्फ एक एग्जाम पे पूरा ध्यान लगा देते हैं, प्लस बैकअप भी रखना चाहिए, ठीक है? दो तीन बैकअप होने चाहिए,
और अब अच्छी बात ये क्या हो गई है कि सीजन अलग है। फॉर एग्जाम्पल जो क्लैट है और जो इलिट है, मतलब क्लैट तो अपना अम्ब्रेला एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा, इलिट जो एनएलयू दिल्ली के लिए, ये दोनों दिसंबर में होता है। इसके अलावा जो सारे एग्जाम्स हैं वो अप्रैल मई जून में होते हैं, तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं पहले सिर्फ क्लैट और इलिट की तैयारी कर रहा था, अब क्योंकि क्लैट इलिट में मे बी अगर नहीं हुआ, देन इन दैट केस मेरे पास 3 4 महीने का टाइम है टू प्रिपेयर फॉर स्लैट, MHCET, BVP, LSAT, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए भी मेरे पास टाइम रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है। देन BLLB, ये बहुत बहुत ही अगेन फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है कि सर मुझे BA चूज करना चाहिए या BBA चूज करना चाहिए, BSc चूज करना चाहिए, BCom चूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। अब यहाँ पे ध्यान देना, सब में LLB कॉमन है, ठीक है। तो होता क्या है, शुरू के 2 साल आपको BA के कुछ सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे, या अगर आपने मान लो BSc किया तो BSc के कुछ सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे, BCom, BTech, BBA, तो मतलब जो भी आपने पर्टिकुलर चूज किया है उसके कराए जाएंगे, प्लस साथ में लॉ भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। बट इसके बाद जो लास्ट 3 ईयर्स होंगे आपके कॉलेज के, उसमें सबको ना लॉ ही पढ़ाया जाएगा। तो भाई सबके लिए कॉमन ही होने वाला है LLB, राइट, सबके लिए कॉमन है। अब ऐसा भी नहीं यार कि लेट्स से आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम और मैं BSc चूज कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। तो वहां पे मैथ्स स्ट्रीम होना जरूरी है, राइट। BCom के लिए ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मैथ्स के लिए डेफिनेटली ये रिस्ट्रिक्शन है। क्लियर है? चलो आगे, और एक चीज ध्यान रखना, तुमने BA चूज किया है, BBA चूज किया है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला है, बिकॉज आपने कॉलेज में क्या किया दैट विल मेक द डिफरेंस, ठीक है। तो मैं सर BA में क्या पैकेज ज्यादा होगा, BBA में ज्यादा पैकेज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपने उस टाइम पे किया क्या है थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मूविंग अहेड, टॉप 10 नेशनल लॉ स्कूल्स, तो इसके आप नाम देख सकते हो। अच्छा, इसमें जो NLU दिल्ली है, इसके लिए आपको अलग एग्जाम देना होता है, जैसे मैंने बताया, दैट इज AILET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये आपको अलग एग्जामिनेशन से मिलेगा, बाकी सब जो है वो आपको क्लैट से मिल जाएंगे। एंड मैंने सिर्फ टॉप 10 NLUs ही लिखे हैं यहां पर, और भी बहुत सारे NLUs हैं, राइट। देन सम अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन या दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन से कौन कौन से प्रोमिनेंट कॉलेजेस मुझे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद तो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, अब ये पुणे में है, नोएडा में है, नागपुर में, हैदराबाद में, जैसा मैंने बताया। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल जो आपको LSAT से मिलेगा, देन GLC मुंबई, MHCET, IELTS पुणे, अगेन MHCET, देन क्राइस्ट क्यूली से आपको मिलेगा, इसमें अगेन कैंपसेस है। निर्मा जो है, निर्मा यूनिवर्सिटी, अगेन वो क्लैट के स्कोर के बेसिस पर आपको सिलेक्ट करती है, तो इसलिए मुझे कोई अलग एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं जो क्लैट का स्कोर आएगा ना, मुझे सिर्फ निर्मा का फॉर्म भरना है, जिसमें मैं एडमिट कार्ड वगैरह, या अगर रिजल्ट आ जाएगा तो वो रिजल्ट आपको सबमिट करना होगा, एंड उसके बेसिस पर आपकी जो रैंक के बेस पर यू विल गेट सिलेक्टेड और नॉट गेट सिलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक, ठीक है। तो इसलिए कोई अलग से एग्जामिनेशन नहीं देना है। एंड देन UPS देहरादून, ULSAT से भी मिलता है, LSAT से मिलता है, क्लैट के स्कोर से भी मिलता है। देन व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टडीज या लाइफ इन अ लॉ स्कूल कैसे होगी, उस पर एक डिस्कशन। वेरी फर्स्ट मीटिंग, अ लॉट ऑफ किड्स आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट दिस, दैट इज मीटिंग। तो मीटिंग होता क्या है, मीटिंग कल्चर क्या होता है, तो अपन सुनते ना कि इस पर्टिकुलर लॉ स्कूल में मीटिंग कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, इन कॉलेज का या इस NLU का मीटिंग में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, मीटिंग में बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं। तो मीटिंग होता क्या है, इट्स काइंड ऑफ अ मॉक ट्राई, राइट, जहां पर आप पिटिशनर या रिस्पॉन्डेंट, या मतलब इस तरीके से दोनों साइड रिप्रेजेंट करते हो, राइट। तो बेसिकली एक मॉक ट्रायल चल रहा है जहां पे जजेस बैठे होंगे, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होगे, उसका साइड रखोगे, जैसे कि अपन कोर्ट्स में देखते हैं, ठीक है। अगर आप कोर्ट गए होगे, इवन कोई मूवी वगैरह देखी हो, कोर्ट रूम ड्रामा, फॉर एग्जाम्पल पिंक मूवी हो गई, स्टेट वेस्ट जॉली हो गई, राइट। अगर बहुत पुराना एग्जाम्पल है ना, तो दामिनी का जो एग्जाम्पल है ना, तारीख पे तारीख, मतलब आप किसी पार्टी का साइड लोगे एंड देन यू विल बी रिप्रेजेंटिंग दैट साइड, तो आप आर्ग्यूमेंट्स दोगे। तो एक फिक्शनल स्टोरी या फिक्शनल सिचुएशन केस आपको दिया जाएगा, उस पर आप प्रॉपर रिसर्च करोगे, लॉ सारे समझोगे, पूरे बेसिक्स इंट्रिकेसीज पे जाओगे, एंड देन यू विल बी रिप्रेजेंटिंग योर साइड, ठीक है। अब ये कॉलेज लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, और हर तरह के लॉ पे होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिमिनल लॉ पे होता है या सिर्फ सिविल लॉ पे होता है, इंटरनेशनल लॉ पे होता है, मतलब अलग अलग लॉज पे होता है। तो
डिपेंड कर रहा है कौन सा कॉलेज है, किस टाइप का मूड कराता है वो, और इंटरनेशनल मूड्स भी होता है। अगेन वो जनरली इंटरनेशनल लॉ पे होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो इंडिया का आईपीसी क्यों जानना चाहेंगे, राइट? तो अगेन बहुत मजेदार चीज होती है, बहुत इंटेंस होता है, बहुत सारी रिसर्च लगती है इस पर, ठीक है? नेक्स्ट इज क्लाइंट काउंसलिंग। जैसे कि आपको टर्म दिख रहा है, अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे होता है ना कई बार घर पे भी होता है कि हम मैं और मेरा छोटा भाई या मैं और मेरा बड़ा भाई या बहन आपस में लड़ लिए, अब वहां पे मम्मी काउंसलिंग कर रही है या पापा काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उन्हें हम दोनों की बात समझे, हमें काउंसिल किया, वैसे ही यहाँ पर क्लाइंट काउंसलिंग है। तो आपके पास क्लाइंट्स है, आप उनको काउंसिल करोगे। आप काउंसिल अगेन ऐसा नहीं बोलोगे कि रोज सुबह जल्दी उठा करो, रात में जल्दी सो जाया करो, ऐसी बातें नहीं है, वो लॉ के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है? तो लॉ के रिस्पेक्ट में आप काउंसिल कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को। देन नेक्स्ट इज डिबेटिंग। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन स्कूल में भी कल्चर होता है डिबेटिंग का, और कॉलेजेस में भी होता है, बहुत सारे एनएलयूज में होता है, बहुत सारे इवन इंटरनेशनल डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। नेशनल तो होते ही है, कॉलेजेस के लेवल पे भी होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी डिबेटिंग होती है। तब डिबेटिंग, जैसे कि हमें पता ही है, टॉपिक दिया जाएगा, उस पे हम फॉर या अगेंस्ट होंगे एंड देन वी विल बी रिप्रेजेंटिंग आवर साइड, राइट? अगेन इस पे रिसर्च करना होगा, आर्गुमेंट स्किल्स जो है आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मीडिएशन, जैसे कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, दो पार्टीज हैं और आप एक मीडिएटर हो, अब आप इनको रास्ता दिखाओगे कि यार ये दिस कुड बी वन ऑफ द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, दोनों पार्टीज की प्रॉब्लम सुनोगे, समझोगे एंड देन यू विल बी गिविंग आउट द सॉल्यूशन। अगेन एक बाइंडिंग नहीं होता है, तो इसको ना एडीआर मैकेनिज्म बोलते हैं। कभी टाइम मिले तो इस बारे में पढ़ना, ये बहुत ही ज्यादा इवॉल्विंग चीज है अभी, राइट? कीपिंग इन माइंड कि इंडिया में अपन ने सुना होगा ना बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, तो एडीआर मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा रिसेंट टाइम में चल रहा है, प्लस फ्यूचर में हो सकता है इसका जिसका जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है, राइट? कंपनीज एडीआर मैकेनिज्म यूज करती है रादर देन गोइंग टू कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट्स में टाइम ज्यादा लगता है, एडीआर थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अब जैसे मीडिएशन हो गया, वैसे आर्बिट्रेशन हो गया, नेगोशिएशन हो गया, एडीआर स्किल्स जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है? और पे भी बहुत अच्छा है। देन इंटर्नशिप्स, ये बहुत 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 जरूरी है। तो अपन एक टर्म सुनते हैं जिसको बोलते हैं पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन से पहले मुझे ऑफर आ गया जॉब का। अब ऐसा नहीं होगा कि आप नौकरी करना चाहते हो इसलिए आपको नौकरी मिल गई, ऐसा नहीं होगा, राइट? इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है उसके लिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी इंटर्नशिप ब्रेक होता है, तो हर सेमेस्टर के बाद एक ब्रेक होता है, 1 month, 2 month, 3 months, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, जनरली 2 महीने का होता है, 1.5 से 2 महीने का होता है। उसमें यू डू एटलीस्ट वन इंटर्नशिप। अब हो सकता है तुम्हें जिस चीज में इंटरेस्ट है तुम उसमें इंटर्नशिप कर रहे हो, दैट कुड बी कि सर मुझे ना प्रैक्टिस या लिटिगेशन करना है, तो मैं ना कोर्ट्स में इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ, मैं जजेस के अंडर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं एडवोकेट्स के अंडर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, अगर मुझे कॉर्पोरेट में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ, ठीक है? तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। जनरली व्हाट आई सजेस्ट इज कि अगर आपकी 5 साल की डिग्री है, ठीक है, 5 साल का कोर्स है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब कुछ करो, सब कुछ करो, समझो कि क्या है, किसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, किसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तो इससे तुम्हें पता चलेगा क्या नहीं करना है। तो दो तरीके होते हैं कोई भी चीज डिसाइड करने की, या तो तुम्हें पता हो तुम्हें क्या करना है, या तो बाय एलिमिनेशन यू नो कि यार ये चार सारी चीजें तो मुझे डेफिनेटली नहीं करनी है, अब जो बचा है भाई उसमें से डिसाइड करूंगा क्या है। फॉर मतलब इसका एग्जाम्पल लेना हो तो व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक अप लॉ एज अ करियर, मुझे ये पता था कि मैं आईआईटी तो नहीं जाना चाहूंगा, मैं इंजीनियरिंग तो नहीं कर पाऊंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका एक रीजन ये भी था कि फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं थी, फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं थी, मैथ्स तो फिर भी ठीक ठाक था बट फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और अगर वो दोनों अच्छा नहीं है तो आईआईटी निकलेगा नहीं, और इंटरेस्ट भी नहीं था, बायो पढ़ना नहीं था, सीए बनना नहीं है। तो एलिमिनेशन के थ्रू समझ में आया कि यार लॉ कुड बी वन ऑफ द थिंग जो इंटरेस्ट कर सकता है, प्लस थोड़ा सा इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स टाइप में, मतलब थोड़ा सा लॉ वगैरह पढ़ने में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उससे समझ में आया कि यार लॉ एक चीज है जो की जा सकती है, फाइन। ऐसे ही अपन को पता होना चाहिए क्या क्या करना है, शुरू के 2 साल में सब कुछ करना चाहिए, आखिरी के 3 साल में या आखिरी के 2 साल में तो कम से कम मुझे सिर्फ वही चीज करना चाहिए जिसमें मुझे इंटरेस्ट है या जिसमें मैं अच्छा कर रहा हूं बहुत, दैट कुड बी कॉर्पोरेट लॉ, दैट कुड बी इवन जुडिशरी की तैयारी एज वेल। तो आई टेल यू द करियर प्रोस्पेक्ट्स, उस पर अपन बात करेंगे करियर ऑप्शंस क्या होंगे, बट हाँ इंटर्नशिप्स करना जरूरी है।
तुम्हें पता चलेगा। अब कई बार क्या होता है, अपन मूवीज देख के समझ लेते कि नहीं ऐसा ही होता होगा। जैसे लॉट ऑफ यू माइट हैव वॉच्ड अ सीरीज बाय द नेम सूट्स, तो तुम्हें लगता होगा यार कॉर्पोरेट लॉ में बहुत ही मजे हैं, ये है वो है। भाई अंदर जाओगे समझ में आएगा इंटर्नशिप में क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि हर प्रोफेशन में कुछ अच्छा कुछ अच्छा बुरा होता है। तो क्या तुम्हें एक्साइट करता है कि नहीं, राइट? सिर्फ मूवीज देखकर नहीं समझना है, वहां जाओगे जब तो समझ में आएगा कि यार चाहिए मेरे लिए है भी कि नहीं। ठीक है, तो इंटर्नशिप्स वो एक्सपीरियंस देते हैं। नाउ द मोस्ट कॉमन करियर ऑप्शंस आफ्टर लॉ, इसको क्या हो गया? नाउ द वेरी फर्स्ट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, तो जो होता है ना घर वाले सबके जनरली बोलते हैं सरकारी नौकरी, पीली बत्ती लाल बत्ती, जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन इफ यू बिकम अ जज, आई थिंक द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक सर्विसेज, राइट? क्यों? एक अलग ही वैल्यू होती है, प्लस आपने लॉ किया है तो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन वन ऑफ द थिंग जो आप कर सकते हो, और बहुत अच्छा ऑप्शन है। डेफिनेटली इसमें साल डेढ़ साल बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, वो तो है ही, बट अगेन इट्स अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट है थोड़ा सरकारी नौकरी में, इंटरेस्ट है थोड़ा लॉ में, लॉ इन द सेंस पढ़ने में, अकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, इसलिए पढ़ना पड़ेगा वो कानून अच्छे से, पढ़ना पड़ेगा वो लॉ अच्छे से, देन जुडिशरी इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड ऑप्शंस, बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है। लिटिगेशन, दीज आर फॉर द ग्राइंडर्स, मतलब जिन्हें यार, मतलब इसमें भी ये होता है कि दे आर फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स और सेकेंड जनरेशन एडवोकेट्स, अगर सेकेंड जनरेशन है तो थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि अगर मेरे पापा एडवोकेट है तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो ही जाता है, जो कि ऑब्वियस ही बात है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, राइट? बट अगर मैं एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूं, मैं प्रैक्टिस चालू करूंगा, शुरू के साल थोड़ा स्ट्रगल होता है, बिल्कुल। तो प्रोस क्या है, बहुत स्ट्रगल है शुरू के साल में, ठीक है, पे बहुत कम है, नेग्लिजिबल है इन द फर्स्ट यूअर्स। प्रोस क्या है, अगर मैंने शुरू के 2-3 साल स्ट्रगल कर लिया, मेहनत कर ली, काम सीख लिया, कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक सैलरी हियर, ठीक है, तो महीने के 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कोई लिमिट नहीं है उसमें, राइट? तो जनरली जो जॉब्स में एक लिमिट होती है कि मे बी आई एम गेटिंग 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, 3 लाख पर मंथ, इसमें कोई लिमिट नहीं है। यू कैन इवन अर्न 2 लाख, 2 करोड़ 3 करोड़ पर ईयर, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अच्छा चल गया, अगर मेहनत कर ली, स्ट्रगल कर लिया, काम समझ लिया, चीजें समझ ली, रिलेशंस डेवलप कर लिए, सारी चीजें। कौन शुरुआत में बहुत स्ट्रगल है, राइट? शुरू के 2-3 साल बहुत सा, मतलब शुरू के 2-3 साल स्ट्रगल होता है, एंड उसमें भी ज्यादातर लोग जो है ना शुरू के 1-8 साल में गिव अप कर देते हैं। तो अगर लग रहा है कि हाँ मैं 2-3 साल स्ट्रगल कर सकता हूँ, उतना कैपेसिटी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं उतनी, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, और रिस्पेक्ट भी होती है। देन कॉर्पोरेट लॉ, सिंपल एग्जाम्पल है, किसी सूट्स मूवी सूट सीरीज देखी हो, बहुत ही अच्छी सीरीज है, कभी टाइम मिले या देखा हो तो मजेदार है। कॉर्पोरेट लॉ अगेन, यहाँ पे प्रोस क्या है, गुड सैलरी इफ यू गेट इनटू गुड लॉ फर्म, अच्छा पैकेज है, अच्छी सैलरी है, कन्वीनियंसेस है। कॉन्स, वर्किंग आवर्स अगर इतने का इतना हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम स्ट्रेच हो सकता है, बहुत लंबी लाइफ नहीं होती आपकी एज इन कॉर्पोरेट लॉ में, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने स्टार्ट किया कॉर्पोरेट लॉ में और मे बी 20-25 साल भी हो कॉर्पोरेट लॉ में, जनरली लोग 5 साल 7 साल में गिव अप कर देते हैं, एंड देन मे बी दे गो फॉर प्रैक्टिस, मतलब लिटिगेशन, और दे डू सम ऑफ द अदर थिंग, राइट? तो ये थोड़ा सा कौन है, बट फॉर स्टार्टिंग्स अच्छा पैकेज है, स्ट्रगल ऑब्वियसली है, काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ का ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि काम है, काम अच्छा खासा होता है, बट हाँ जिनको काम करने में अच्छा मजा आता है, बहुत सही चीज है, बहुत मजा आता है, बहुत अलग अलग चीजें सीखोगे, बहुत अलग अलग चीज में इन्वॉल्व होंगे, अलग अलग लॉज में इन्वॉल्व होंगे। देन सिविल सर्विसेज अगेन, एक मूवी आई थी लगभग 2-1 महीने पहले, 12th फेल, राइट? अगेन इट वॉज ऑन यूपीएससी, राइट? तो सिविल सर्विसेज अपन बात करते हैं यूपीएससी की, मिल लिया पीएससी समझ लो, फॉर योर स्टेट पब्लिक एग्जामिनेशन, सर्विस एग्जामिनेशन, राइट? अगेन प्रोज, भाई बहुत रिस्पेक्ट है, अच्छा पे है, बहुत सारे पर्क्स हैं, सब कुछ। कॉन्स, अगर सिलेक्ट नहीं हुए वो साल 2 साल की प्रिपरेशन कम से कम लगती है, ठीक है, तो यूपीएससी ऐसा एग्जाम नहीं है कि 6 महीने पढ़ा निकल जाएगा, कम से कम 1.5 से 2 साल मिनिमम देना पड़ता है आपको, और अगर नहीं हुआ
तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, राइट? कि 2 साल बाद भी हम सेम जगह पे खड़े हैं। इवन दो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने यूपीएससी की या जुडिशरी की एग्जामिनेशन की तैयारी की है, साल 2 साल बहुत अच्छे से, इवन दो अगर नहीं भी हुआ ना, आप बहुत ग्रो कर जाते हो एज अ पर्सन, ठीक है? बट हाँ, अगेन, फेलियर इज वन ऑफ द रिस्क जो कि होता ही है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इवन फॉर क्लैट एज वेल, राइट? कोई गारंटी नहीं कि हमने क्लैट का एग्जाम दिया तो हमारा क्लैट निकल जाएगा, बट यस, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फेलियर इज वन ऑफ द कॉन जो कि होता ही है। ये 10th के एग्जामिनेशन या 12th के एग्जामिनेशन की तरह नहीं है जहां पे सबके 90% आ सकते हैं, सबके 95% आ सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। कुछ का सिलेक्शन होगा, बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, जैसा हर एग्जाम में होता है। देन अकेडमिक्स, यस, ये भी बहुत सारे, मतलब हर बैच के आप मान के चलो 10 से 15% बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो अकेडमिक्स में जाते हैं। अकेडमिक्स इन द सेंस वो पीजी कर लेते हैं, देन दे डू देयर पीएचडीज, दे टीच इन वन ऑफ द सम ऑफ द अदर, इट कुड बी लॉ यूनिवर्सिटीज और सम और द अदर काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज, ठीक है? तो जिनको हायर स्टडीज में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग फॉरेन जाके स्टडीज करते हैं, देन इंडिया वापस आते हैं, वहीं पर पढ़ाने लगते हैं लॉ। तो अगेन, अकेडमिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रोइंग ऑप्शन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चूज करते हैं, मतलब 10 से 15% चूज करते हैं, ठीक है? तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको अकेडमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी रिसेंट टाइम्स में, पिछले 2-3 साल में बहुत, या पिछले 5-6 साल में बहुत सारे स्टार्टअप्स चालू हुए, ठीक है? एंड अगेन, वो यंगस्टर्स ने ही चालू किए हैं, जो कोई ना कोई ग्रेजुएट होगा, लॉ ग्रेजुएट्स भी हैं जो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स चालू करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, फेलियर का रिस्क बहुत ज्यादा है, फेलियर का रिस्क बहुत ज्यादा है। प्रो क्या है, देयर इज नो एंड कि कितना ग्रो कर सकते हैं, सैलरी जैसा कुछ नहीं होता है क्योंकि खुद सब खुद ही का है सब कुछ, तो प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब प्रोस सैलरी वाइज, पैकेज वाइज सब कुछ है। इनिशियल स्ट्रगल बहुत ज्यादा होगा, फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर 100 कंपनीज है, 100 के 100 बहुत अच्छा कर रहा था, बिल्कुल नहीं होता है। हार्डली 10-20 कंपनीज बहुत अच्छी करती है, 70-80%, 90% फेल कर जाती है, बंद हो जाती है। ये एक थोड़ा सा रिस्क होता है इसमें। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या आइडिया है आपका, आप क्या करना चाहते हो। लीगल जर्नलिज्म, ये रिसेंटली थोड़ा प्रोमिनेंट हो गया है, ठीक है, पिछले 4-5 साल में। सो द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, बट वो जैसे अपने टीवी चैनल्स होते हैं ना प्रॉपर, एकदम एग्जैक्टली वैसा नहीं करना चाहते, वो लॉ से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा लॉ में इंटरेस्ट है और जर्नलिज्म में भी इंटरेस्ट है, तो अपन देखते हैं ना बहुत सारे, फॉर क्लैट एग्जामिनेशन ओनली यू विल बी रीडिंग द हिंदू, राइट? द हिंदू में जैसे लॉ के आर्टिकल्स आते हैं, तो एडिटर्स लगते हैं उनको भी, जिनको थोड़ा लॉ का भी नॉलेज हो। वैसे दूसरे भी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं, एजेंसीज होते हैं, बहुत सारी चीज होती है जहां पर आप जर्नलिज्म के लिए जा सकते हो, लीगल जर्नलिज्म पर्टिकुलर एग्जैक्ट, जहां पर आप जा सकते हो। रिसेंटली काफी चला है, बट हाँ, प्रोस क्या है, अगेन बहुत अनटच्ड टाइप का करियर ऑप्शन है, राइट? अच्छा खासा पे हो जाता है अगर आपने थोड़ा इंटरेस्ट लिया और आपको लॉ का अच्छा नॉलेज है। कौन ये कि अगेन बहुत नया है, राइट? तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि रिलेशन ज्यादा नहीं होते क्योंकि एल्यूमनाई बेस बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, बहुत कम लोग होते हैं जो लीगल जर्नलिज्म में जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा फंसने के चांसेस हो जाते हैं, राइट? नाउ सम ऑफ द स्किल्स यू मस्ट हैव इन ऑर्डर टू बी अ गुड लॉ स्टूडेंट या लॉ एस्पिरेंट, द वेरी फर्स्ट थिंग, मतलब ये चीजें हो सकता है तुम्हें जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो क्लैट के लिए या लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तब समझ में आ जाए, या जब कॉलेज जाओगे तो समझ में आ जाएगा, बट इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले यू नीड टू बी ग्रेट एट कम्युनिकेशन। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, व्हेन आई यूज टू स्टडी, वॉज नॉट, मतलब आई वॉज नॉट वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग, ठीक है? थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप का, बोलना बहुत कम, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता था, वगैरह वगैरह वगैरह, जो अगेन इंडिया में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, राइट? बट इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू लॉ, आगे लॉ ही करना है, फॉर एग्जाम्पल लिटिगेशन करना है, यू नीड टू कम्युनिकेट वेरी वेल, यू नीड टू बी गुड एट कम्युनिकेटिंग थिंग्स, राइट? तो अगेन, ये ऐसी चीज नहीं है कि भाई मुझे आता ही और तो ही मैं ये कर पाऊंगा, नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव किया जा सकता है। वी कैन बिकम गुड एट कम्युनिकेटिंग, राइट? एक स्किल है जो धीरे धीरे भी सीखी जा सकती है, बट यस, दिस विल बी रिक्वायर्ड। फर्स्ट थिंग, सेकेंड नॉलेजिकल अप्रोच, सब कुछ पढ़ना समझना, अगेन पढ़ना थोड़ा ज्यादा पड़ता है और समझना भी पड़ता है, और सब तरफ से सोचना है, रिसर्च ओरिएंटेड, ये हर चीज में लगता है। इवन फॉर टेकिंग दिस सेशन आई डू रिसर्च अलॉट, राइट? तो रिसर्च लगती है। अब दैट कुड बी कोई पर्टिकुलर लॉ, जैसे मैंने मूटिंग का एग्जाम्पल लिया, अ लॉट ऑफ रिसर्च टेक प्लेस,
मतलब घंटों दिनों महीनों भी रिसर्च करनी पड़ती है। एक पर्टिकुलर मूड प्रॉब्लम दे दिया, उसकी इंट्रिकेसी समझना है, कहाँ क्या लॉ लगेगा, क्या क्या डिस्कस किया जा सकता है, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कौन सा आर्ग्यूमेंट है जिस पे हमें ग्रिल नहीं किया जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें जिस पे रिसर्च करनी पड़ती है। तो यू हैव टू बी गुड एट रिसर्च, देन अ गुड टाइम मैनेजमेंट पर्सन। ये वन तुम्हें जब तुम लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तब समझ में आ जाएगा कि सर जीके कैसे पढ़ें, जीके के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, कौन से सोर्सेस करें। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, लॉ स्कूल में भी यही होगा, कहीं मीटिंग चल रही है, एग्जाम्स भी तो चल रहे हैं, फिर मुझे डिबेट भी तो करना है, फिर मुझे क्रिकेट भी तो खेलने जाना है। तो टाइम मैनेजमेंट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ह्यूमैनिटेरियन स्किल्स ये अगेन होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम्स है एंड उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, राइट? सो दैट विल बी इट फॉर दिस सेशन। आई होप ये काफी यूजफुल रहा होगा आपके लिए। इफ यस, डू लाइक दिस सेशन एंड इवन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको लॉ करना है या करने का सोच रहे हैं या इस टाइप का कुछ सिमिलर इंटरेस्टेड हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।